हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो आपने फाइनल सबमिशन करनी है या फिर आपने जो चालान जनरेट करने हैं वो आप कैसे करोगे। तो सभी के लिए प्रोसीजर सेम होगा, चाहे वो आपके प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने लॉगिन करना है। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो लेके आया था कि कुछ लॉगिन इशू थे, तो अगर तो आपकी जो न्यू वेबसाइट है यहाँ से अगर आपका लॉगिन होता है तो आप यहाँ से लॉगिन कीजिए, अदरवाइज़ आप ओल्ड वेबसाइट पर क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो मैं ओल्ड वेबसाइट पर क्लिक करके करूँगा क्योंकि मेरा यहीं से लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड करके एक स्कूल में लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक स्कूल में लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर मैंने करना क्या है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाना है मैंने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने आपको बताया था कि आपने जो F1 फॉर्म है या 8th के लिए जो आपका 8-1 फॉर्म होता है तो उनको आपने कैसे फिल करना है। अगर आपका दोनों स्कूल है, एक कोई प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ पर दोनों वो शो हो जाएंगे, प्राइमरी और मिडिल का F1 फॉर्म और A1 फॉर्म। तो अगर वहाँ पर आपने डाटा सारा अपडेट कर दिया हुआ है एंड देन उसके जो रफ़ रिपोर्ट है वो निकाल कर आपने डाटा अपडेट कर दिया है, एंड देन फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है कैलकुलेशन फ़ीस और फाइनल सबमिशन का प्रिंट आपने कैसे लेना है। तो कैलकुलेट करनी है आपने फ़ीस को। कैलकुलेशन हम फीस करते हैं, ये एक अपना गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ फ़ीस को एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ प्राइमरी। अगर आपका कोई एक प्राइवेट स्कूल है और वो 8th तक है तो वहाँ पर आपका प्राइमरी मिडिल दोनों आ जाएगा। तो मैं प्राइमरी के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं F1 फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जो भी फॉर्म मैंने फिल किया हुआ है, F1 है चाहे वो आपका F2 है, एंड देन कैलकुलेट फीस बाय फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, ये एक गवर्नमेंट स्कूल था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो सारी की सारी 0 आई है। प्राइवेट के केस में जो भी आपकी फीस होगी वो यहाँ पर वो क्या कर देगा, बता देगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बोल रहा है हार्ड कॉपी का जो सर्टिफिकेट है उसका 700 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है। देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 7, तो 100 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से क्या कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है। अगर तो आपको लगता है कि आपने ये पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहाँ पर आप जाते हो तो F1 फॉर्म फिल करते हो, F1 फॉर्म में जब आप यहाँ पर, मैं सबमिट करता हूँ इसको, और यहाँ पर आपने क्या किया, व्यू एंड इंसर्टेड ऑल रिकॉर्ड्स को चेक किया। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ रिकॉर्ड को। मॉडिफाई में देखिए, यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहा है वांट हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ, यस। अगर तो आपने यहाँ पर यस किया हुआ तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर ही डिपेंडेड है कि आपने इसको नो रखना है कि यस करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप एक बार जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे आप बात कीजिए, अगर वो मानते हैं इस बात के लिए कि हाँ हमने पेमेंट करनी है, देन आप इसको यस कर दीजिए। अगर वो नहीं मानते कि नहीं हमने 100 रुपीज़ नहीं देने हैं, देन आप इसको नो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपके स्कूल के ऊपर, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो रुपीज़ हैं वो आपके 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से वो क्या कर रहा है, उसको चार्ज कर रहा है। तो मैं कैलकुलेट फीस पढ़ता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और प्राइमरी स्कूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं F1 फॉर्म पर क्लिक करके इसको कैलकुलेट करता हूँ, एंड देन यहाँ पर 700 वो बता रहा है। तो अगर आप इसको नो करते हो तो वो 0 बता देगा। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको फाइनल सबमिट कर देना है, एंड देन फाइनल सबमिशन के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसका आप फिर लास्ट में आप प्रिंट ले लोगे। अब ये एक स्कूल है, मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट तो नहीं करूंगा, बट यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगी। फाइनल सबमिशन के बाद आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन में जाकर जब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन का प्रिंट। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो आपके फाइनल सबमिशन है उसकी जो आपकी जो प्रिंट है वो आप क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो फीस डिपॉजिट है वो कैसे करनी है, चालान जनरेट कैसे करना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।